गाइस हम लोगों ने प्रेस्टीज का कुकर लिया है और ये भैया यहाँ पर के स्टाफ में। सो गाइस अभी हम लोग अजंता मॉल में आए हुए हैं थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए। हाय गाइस, तो फाइनली सारे काम हो गए, ए टू जेड काम। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सही होंगे, सुरक्षित होंगे। सो आज मैं और मेरा भाई हम लोग जा रहे हैं डीसी में, क्योंकि भाई का लैपटॉप थोड़ा ख़राब हो गया है। ये लीजिए, बात कर लीजिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग फ्रॉम माय हेल्थ नहीं फ्रॉम माय सिटी दैट इज हल्द्वानी। सो अभी वो ज़्यादा बात नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका थोड़ा ड्राइविंग पे ध्यान है। सो हम लोग फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है? लैपटॉप देखे आ गए हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसकी, क्योंकि स्पीड थोड़ी स्लो चली है और साथ ही साथ उसमें कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह भी डलवाना है। तो एनी जो भी समझिए, मेरे को तो नाम बोलने में भी बाजी जमान लटक रही है। 4GB रैम भी डलवाना एक्स्ट्रा। हाँ, 4GB रैम भी डलवानी है। तो सो क्या कहते हैं, अभी 6:30 बजे तक होगा, तो फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है? हम अपने पुराने इलाके में जा रहे हैं, अपने अजंता जनरल स्टोर में। सो थोड़ी शॉपिंग करनी है भाई को, क्योंकि कल उसको निकलना है। तो थोड़ा शॉपिंग करके, थोड़ा मार्केट में भी जाके, थोड़ा एक दो सामान लेके, फिर हम लोग अपने घर को वापस चले जाएंगे, अपना लैपटॉप लेके। सो गाइस अभी हम लोग अजंता मॉल में आए हुए हैं थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए, थोड़ा घर का सामान, थोड़ा मुझे भी अपना सामान लेना है क्योंकि कल मैं दोरार को वापस जा रहा हूँ। तो चलिए शॉपिंग कर लेते हैं। अब गाइस सिस्टर ने सामान लेना शुरू कर दिया है, देखिए पूरा सामान अभी तो ज़्यादा सामान लिया नहीं है, दाल वगैरह ली है, थोड़ा थोड़ा लेते जा रहे हैं और पूरा सामान ले लेंगे घर के लिए भी और थोड़ा मुझे भी चाहिए वहाँ दौराट के लिए। तो चलिए शॉपिंग कर लेते हैं हम लोग। फ्रेंड्स मैं अजंता से शॉपिंग करके आ गई हूँ और अब हम लोग थोड़ा मार्केट जा रहे हैं, भाई का एक सामान और लेना है। और यहाँ से भी जो हमने सामान लिया छोटा मोटा लिया, क्योंकि इस बार भाई का प्लान है कि वो घर पे बनाएगा कुछ, क्योंकि उसके कॉलेज से उसका कैंटीन जो है वो काफ़ी दूर हो जाता है, तो उसको प्रॉब्लम होती है बनाने में। तो मतलब जितना जाने में उसको टाइम लगता है, खा पी के आता है उतना में उसको पच जाता है। तो वो यही कह रहा था कि मॉर्निंग में तो वो वहीं खाएगा और इवनिंग में अपना बना लेगा। सो अभी मैं आप कैमरे की तरफ ज़्यादा नहीं देख पा रही, क्योंकि अभी हम ना मेन रोड में है, ये रोडवेज के आसपास, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी क्राउड वगैरह रहता है तो थोड़ा देखना पड़ता है। तो आप प्लीज़ थोड़ा माइंड मत करना, ठीक है? मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ। बहुत ट्रैफिक है यहाँ पे अभी, तो इसमें थोड़ा देखभाल के चलना पड़ता है ना? फ्रेंड्स हम लोग मार्केट से आ गए हैं और अभी हम लोग रिटर्न जा रहे हैं। और एक पता ही है ना, मार्केट आओ तो कुछ ना कुछ सामान याद आता ही है, कुछ ना कुछ देखने ही होता है। चलो होप सो अब एक सामान और देखने के लिए जा रहे हैं तो वो हमें मिल जाए। देखते हैं, भाई को कुछ सामान लेने के लिए जाना है इस शॉप पे, तो होप सो कोई चीज़ मिल जाए उसकी जो चाह रहा है। ये भाई बाहर गया था किसी सामान के लिए, मैं भी लगता है कि उसको अब यहाँ पे भी ये चीज़ नहीं मिला या फिर जो भी है, देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, सो अब हो गए हैं शाम के 6:45 बज चुके हैं और अब हम लैपटॉप लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उसने बोला था 6:30 बजे तक का टाइम उसने हमको दिया था। बट अभी हमको मुझे भाई के लिए प्रेशर कुकर लेना था, क्योंकि इससे इस बार जैसा आपको पहले बताया था कि ये खुद अपना खाना वगैरह बनाएगा। तो यहाँ पे हम प्रेस्टीज के वहाँ गए थे तो उसकी शॉप बंद थी, तो अब हम लोग जा रहे हैं बिग बाज़ार। तो होप सो हमें वहाँ पे इसका इंडक्शन बेस्ड के लिए मिल जाए। सो हियर वी गो, तो मैं आपको मिलते हैं फिर आप डायरेक्ट मॉल में, ठीक है? समय है,
सब लोग साग सब्जियाँ लेने हैं, घर को जा रहे हैं और हम लोग इतने ठंड में बाहर को जा रहे हैं। अब मजबूरी ही ऐसी है, क्या करें कि लैपटॉप का काम करवाना, अदरवाइज़ तो हम लोग भी सबकी तरह फटाफट फटाफट सामान लिया और अंधेरे होने से पहले ही हम लोग भी अपना निकल जाते हैं, मतलब घर पे ही रहते हैं टाइम से, हीटर वीटर जला के। एक तो आपका ठंडा भी बहुत हो रहा है, तो जैसा आप देख ही रहे हैं ये शाम का समय हो रहा है, बस अब अंधेरा होने ही वाला है और बस हम लोग थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। अभी तो हम लोग यहीं पे ही हैं, वॉकवे मॉल के आसपास में पहुँचे हुए हैं, तो फिर थोड़ा सा टाइम लगता है फिर हम पहुँच जाएंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग बस पहुँच गए हैं अपना बिग बाज़ार, बस हम थोड़ा रोड क्रॉस करने हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है यहाँ पे, ट्रैफिक जाम वगैरह। सो ये अब आ गया हमारा बिग बाज़ार, तो अब हम यहाँ पे थोड़ा शॉपिंग करेंगे, फिर भाई का लैपटॉप उठा के, तब तक 6:30 बज जाएंगे, 6:30, फिर भाई का लैपटॉप लेंगे, फिर हम लोग घर जाते हैं। हाँ, ये देखिए हम लोग बिग बाज़ार मॉल में पहुँच चुके हैं और अंदर जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। अभी क्रॉकरी वाले से डिपार्टमेंट में आए हुए हैं हम लोग और कुकर देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है अब मैंने डिसाइड किया है कि हॉस्टल में खुद ही बना के खाना खाऊंगा, बस वैसे ही बाहर जाके खाना नहीं खाऊंगा, तो उसी लिए यहाँ पर हम लोग कुकर ले रहे हैं। गाइस, हम लोगों ने प्रेस्टीज का कुकर लिया है और ये भैया यहाँ पर के स्टाफ में और नेचर बहुत अच्छा है यहाँ के स्टाफ का, आप लोग भी आइए बिगुजा हल्द्वानी में, यहाँ आपको मतलब बहुत बढ़िया हर तरह का सामान मिल जाएगा आपको। और स्टाफ, मेन बात यह है कि यहाँ के स्टाफ का नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप देख लीजिए इनकी शक्ल इन भैया की, और इनके पास जरूर आना है, एक बार ज़रूर मिलना, जो भी आप लोग हमारे चैनल से देख रहे हैं। हाँ, कस्टमर हैंडलिंग बड़ी अच्छी है, हाय गाइस। तो फाइनली सारे काम हो गए, ए टू जेड काम, बिग बाज़ार से हमने कुकर भी ले लिया और बाकी छोटा मोटा एक दो सामान और था वो भी ले लिया, और लैपटॉप भी सही हो गया, ज़्यादा पैसे लग गए वहाँ, खैर चलो क्या करें, एक ही बार ही काम होता है, खैर बार बार तो होता नहीं है। हाँ बस भाई साहब केयर करें, भाई साहब को बस काम करवाना होता है, केयर के मामले में तो खैर चलो। होप सो आज का दिन बहुत ही टायर्ड था सुबह से, बस कुछ ना कुछ काम, कुछ ना कुछ काम, फिर दिन में हम यहाँ आ गए थे, फिर यहाँ इतना टाइम, ये मार्केट, यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ, बस ऐसे ही चला गया। बट चलो एट लास्ट सारे काम हो गए, ये ज़्यादा मायने रखता है ना। तो अब हम लोग फिर जा रहे हैं घर को, होप तो अब यही कह के मैं अब वीडियो क्लोज़ करती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ। सो आज खाना भी अभी बस थोड़ी देर पहले भाई के लिए मोमोज पैक कराए, तो मैंने भी तब खाए, उससे पहले तो मैंने भी कुछ नहीं खाया था, तो अब यही कह के वीडियो क्लोज करती हूँ। तो भाई आप भी बाय कह दो। ओके गाइस बाय, आई होप आप लोगों का आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल दैट इज़ टेक्निकल अंदाजी ब्लॉग्स, और मैं थोड़ा आगे देख के बात कर रहा हूँ तो बुरा मत मानना, और मिलते हैं आप लोगों से फिर आप नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और बाय बाय। तो फ्रेंड्स, भाई ने तो बाय कह दिया, पर मेरा जी नहीं भरा कि मैं एकदम से आपको बाय कह के फ़ोन काट दूँ, मैं इसी की बात की सुनूँ, किससे बाय कह दिया तो फिर मैं अब क्लोज कर दूँ, मैं बाय कहूँगी, ठीक है। तो अब मैं क्लोज करती हूँ, मैंने ही स्टार्टिंग किया था, तो अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पे। अब कल तो मेरा भाई चला जाएगा, तो फिर अब होप सो अब मैं पता नहीं कब हम बनाएंगे ब्लॉग, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। सो होप सो फिर हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, ओके, बाय, टेक केयर, बाय।